ये देखो, पहला को पता है उसका खाना बनने जा रहा है, ये पहले ही आके यहाँ पे बैठ गई है। तो शुरू करते हैं। सबसे पहले मैंने ली है लौकी, आप कोई भी वेजिटेबल ले सकते हैं। फिर मैंने सोक किए हुए ये सोया चंक्स लिए हैं। इसके बाद मेरी बेला को आलू बहुत पसंद है, इसलिए मैंने थोड़े से आलू लिए हैं। और ये मैंने मसूर की दाल ली है। और इसके बाद ये जो है मेरा दलिया और चावल का मिक्सचर है, दोनों इक्वल क्वांटिटी में है। और ये मैंने लगभग एक गिलास पानी लिया। अब मैंने गैस ऑन की, उसके बाद कुकर के अंदर सारे मैं इंग्रेडिएंट्स डाल दूँगी। मैंने लौकी डाल दी, सोयाबीन चंक्स डाल दिए, आलू डाल दिए, दाल डाल दी और ये मिक्सचर डाल दिया। और अब पानी डाल के मैंने लिड लगा दी और दो विसल्स आने तक मैंने वेट किया और मैंने गैस ऑफ कर दी। और अब जब इसका प्रेशर रिलीज़ हो जाएगा, उसके बाद हमारा वेजिटेबल दलिया या फिर वेजिटेबल खिचड़ी रेडी है। अब हम अपने डॉग के क्वांटिटी के हिसाब से, जैसे मेरी बेला कम से कम एक कटोरी खाती है, तो उसके हिसाब से मैंने इसमें पोर किया। और मीनवाइल इसको देखो, मेरी बेला को देखो, इसके मुंह में पानी आ रहा है। तो ये मैंने लगभग एक कटोरी इसमें दलिया डाल दिया। उसके बाद ये डॉग फूड डाला है जिसको मैंने 5 से 10 मिनट सोक करके रखा हुआ था पानी में। और इसके बाद मैंने हाफ कप कर्ड डाला। हमें पता है जो दही है वो गट हेल्थ के लिए कितना अच्छा होता है। तो उसके बाद ये अच्छे से मिक्स ये अच्छे से मिक्स कर दिया। और यस, ये हमारा रेडी है। और अब ये देखना बेला कितनी खुश होगी इसको देख के। ये देखो हमारी बेला। जिधर आपका डॉग खाना खाए उसके पास में पानी ज़रूर रखिए, क्योंकि खाना खाने के बाद उन्हें पानी चाहिए होता है, इसलिए ज़रूर रखिए।